व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आज है बृहस्पतिवार और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 7 बजे से। तो मॉर्निंग में एक बार मैं चाय पी करके और कुछ काम था तो उसको निपटाई और यहाँ पे जो कल रात में निकाली थी ना डब्बे डुब्बी जो कि धुला हुआ है और यहाँ पे है जो कि खाली किया तो है पर साफ नहीं कर पाई। रात में अचानक से बारिश शुरू हो गई तो साफ नहीं कर पाई और किचन का भी अभी वही हाल है जो कि मैं रात में छोड़ी थी। और हस्बैंड गए थे आज दूध लाने के लिए तो वहाँ पे रास्ता फिर से बंद कर दिया गया, दूध जहाँ से जा करके रास्ते से लाते थे तो बहुत परेशानी बढ़ गई। दूध भी नहीं है, थोड़ा सा दूध ही है तो कोई बात नहीं, पैकेट वाला दूध मैं मंगा लूँगी। और बेड वुड को मैं साफ कर ली और बेड वुड को मैं सेट भी कर ली, अब सिर्फ झाड़ू लगानी है और हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो पता नहीं अभी कितने दिन नहीं आ पाएगी, देखती हूँ कितने दिन नहीं आ पाती है। तो झाड़ू पोछा भी करना है और जो भी काम है जो सब मुझे ही करना है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे बाबू साहब, तो बाबू साहब चाय बनाइएगा या झाड़ू पोछा कीजिएगा? चाय बनाएंगे। चाय झाड़ू पोछा नहीं कीजिएगा? नो, आए झाड़ू पोछा कर दीजिए, आज झाड़ू पोछा कीजिए, आज हम चाय पिलाते हैं आपको। चलो हम झाड़ू पोछा ही करते हैं। झाड़ू पोछा आप कीजिएगा, इतना हमको मूर्ख समझे हुए हैं, चाय बनाइए, आप झाड़ू पोछा करने वाले हैं। तो चाहे बोल रहे थे कि दो हम झाड़ू लगा देते हैं तो उनसे क्या झाड़ू लगवाऊं, मैं कम भी नहीं करवाती हूँ ये सब काम, अपने से वो पानी तक नहीं लेकर के पी पाते हैं तो झाड़ू और पोछा के। लेकिन पूछते जरूर है कि चलो मैं झाड़ू लगा देता हूँ। तो बस आप मॉर्निंग का काम मैं शुरू कर दे रही हूँ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद हो, मेरा जो लाइफ स्टाइल हो वो आपको अच्छा लगे और जो मैं रेसिपी बनाती हूँ या जो लाइफ स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी वीडियो मैं करती हूँ तो उस वीडियो को देख करके आप अगर इंजॉय करते हैं और मेरा वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद नहीं है तो फिर सब्सक्राइब करके नहीं छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं पर उसके हिसाब से बोले तो व्यूज नहीं आ रहा है तो बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण मन भी नहीं करता है कि ब्लॉग में बनाऊं। तो जिसके कारण भी मैं दो दिन पे, पिछले बार भी यही बोली थी कि दो दिन पे मैं वीडियो डालती हूं। तो प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा। और ज्यादा बकबक नहीं करूंगी तो ज्यादा बकबक नहीं करते हुए अपने काम को मैं शुरू कर दे रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि मेरा हिम्मत बढ़ेगा तो मैं वीडियो और डालते जाऊंगी। और एक दो सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो कि आते के साथ डिसलाइक देकर चले जाते हैं। तो जो डिसलाइक देते हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो आते तो हैं, अपना प्यार तो दिखाते हैं, और जो लाइक करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो भी मुझे प्यार करते हैं तो ही तो लाइक करते हैं। और कॉमेंट एक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा देख करके। तो चलिए काम को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना अब शुरू कर दे रही हूँ और झाड़ू लगा के पोछा लगा करके तब मैं जाऊँगी किचन में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी झाड़ू पोछा लगाने का, कितना झाड़ू पोछा लगाने का दिखाते रहूँ। तो बस यही है झाड़ू पोछा लगा करके और ये जो डब्बा कल रखी थी ना बाहर में, तो बस उसको मैं साफ करके और पोछ करके यहाँ पर रख ली। तो थोड़ा सा बस पंखा चला दी तो हवा लगने से ये सूख जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए मेरे किचन का हाल क्या है। तो मैं बर्तन भी धो करके यहाँ पर रख दी सूखने के लिए और यहाँ गैस पे मेरी सब्जी चढ़ी हुई है पकने के लिए। तो ये दोपहर का सब्जी मैं अभी ही बना करके रख ले रही हूँ क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा है। तो ये दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ कढ़ाई में सब्जी में चढ़ाई और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंगफली, नारियल और लहसुन, हरी मिर्च। तो बना रही हूँ मूँगफली की चटनी और बनाऊंगी मैं बहुत ही यम्मी सा आज नाश्ता। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये 2 चम्मच के करीब दही, टेस्ट के अनुसार नमक। तो बस इसको डाल करके और मैं इसका चटनी तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह का तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा और पानी मैं इसमें डालूँगी और यहाँ पे मैं चढ़ा दी इस कलछुल को, तो मैं कलछुल ही बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें डाल दी मैं तेल और तेल जब गर्म हो गया तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ सरसों और सरसों पक के तैयार हो जाएगा। तो इसमें डाल दी मैं सूखी लाल मिर्च 2 और उसी के साथ डाल दी करी पत्ता। तो ये करी पत्ता, मिर्च और सरसों तीनों ही अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो इसको अब मैं डाल दे रही हूँ इस चटनी में और चटनी में डाल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स करके रख दूँगी।
ताकि ये खाते समय एक जो फ़ोरन है सो गरम गरम ना लगे। तो यहाँ पे मैं ये चॉपर में डाल रही हूँ मिर्च और प्याज, तो इसको मैं चॉप कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से चॉप करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ले रही हूँ ज़्यादा प्याज, तो वही आप देख करके कहेंगे इतना प्याज क्या करेगी, तो वो आप आके देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं फ्राई पैन चढ़ा दी और इसमें डाल दी सरसों, और सरसों जब तड़कने लगा तो इसमें डाल दी करी पत्ता, तो करी पत्ता भी अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो प्याज और मिर्च को मैं चॉप करके रखी थी ना, तो उसको डाल दी, और उसी के साथ डाल दे रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मैं चला करके भून ले रही हूँ। तो भूनूंगी मैं हल्का सा, जब कच्चा रहेगा ना तो बस उतना ही तक भूनूंगी। तो ये देखिए भूनने के बाद ये इस तरह का हो गया, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ सांभर मसाला, तो बस इसको भी डाल करके, और थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ इसमें हल्दी का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसमें मैं डाल रही हूँ जो आलू मैं उबाल करके और मैश के रखी थी उसको, तो उसको भी डाल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मैं भून लूँगी, ताकि इसका जो प्याज मसाला नमक जो भी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नींबू का रस, तो ये नींबू का रस डाल दिए, और थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ इसमें नारियल जो काट के रखी थी उसको, तो इससे क्या होगा कि मुंह में जो खाते समय आता है ना नारियल, तो बहुत ही यम्मी लगता है, तो बस इसीलिए डाल दी, और इसको अच्छे से चला करके मैं उसको रख दी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल और उड़द का दाल, जो कि उस दिन छिलका बनाई थी ना, तो बस उसी तरह से ये डोसा का ही है। तो डोसा मैं उस तरह से बनता है उस तरह से मैं नहीं बना रही हूँ, पर आप देखते जाइए कि कैसे बना रही हूँ, ये खाने में अच्छा लगता है। तो इसमें डाल दी मैं नमक, और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ ये फ्राई पैन, तो फ्राई पैन गर्म हो गया, तो इसमें भी मैं लगा दी थोड़ा सा बस तेल, और जो ये घोल तैयार करके रखी थी चावल उड़द दाल का, तो उसको डाल करके इसको अच्छे से मैं फैला दे रही हूँ, और थोड़ा सा तेल डाल करके इसको अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से पलट पलट करके मैं सेक लूँगी, ताकि ये इसका जो कच्चापन है वो हट जाए और अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से पक के तैयार हो गया है। तो बीच में मैं डाल दे रही हूँ इसमें आलू का जो तैयार की थी ना उसको टिक्की बना करके, और इसको फैला दे रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको मैं चारों तरफ से मोड़ दूंगी, ताकि इससे क्या होगा कि जब दो तरफ से मोड़ने से क्या होता है कि एक तरफ आलू रहता है और एक तरफ खाली रहता है, तो वो इससे नहीं होगा। इसमें जिधर से भी आप काट के खाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा, और चारों तरफ से ये इसमें आलू का जो मिश्रण है वो आएगा मुँह में टेस्ट इसका, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, और बच्चे बड़े सबको ये पसंद आएंगे, इतने यम्मी ये नाश्ता है। तो बस इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा तेल डाल करके और तैयार कर ले रही हूँ, चारों तरफ से मैं इसको सेक ले रही हूँ, और यकीन मानिए ये डोसा से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार बनाकर अपने बच्चों को दे करके ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चे ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। तो बस इसको मैं इस तरह से बना ली, और एक तरीका आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे हाथ क्यों जलाना। तो ये इस तरह से छिलका को मैं तैयार कर ली, और हाथ की सहायता से ही इसको मैं चारों तरफ से मोड़ ले रही हूँ, तो ये गरम गरम बहुत अच्छे से मोड़ के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया, तो इसको मैं रिफाइंड दे करके और सेक ले रही हूँ, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का मॉर्निंग का मेरा नाश्ता कैसा है। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया, और ये रहा मेरा मॉर्निंग का नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी है। तो अब मिलती हूँ मैं नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता वास्ता हो गया, और जो भी काम था वो सब काम हो गया है मेरा। और जब एडिटिंग कर रही थी ना तो पता चला कि इस वीडियो को तो मैं एंड ही नहीं की। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, और ये यम्मी सा नाश्ता बनाकर जरूर टेस्ट कीजिएगा। बाय बाय।